हाय दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर OnePlus 9R को 2021 का सबसे ज़्यादा चाहिता फ़ोन बोलूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। OnePlus 9R पे हम ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं एंड मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी लोगों को 9R बहुत पसंद आ रहा है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूँ। Why OnePlus Nord 2 can not replace OnePlus 9R in India? सिर्फ हमारी वीडियोस पर नहीं बट मैंने और लोगों की वीडियोस पर भी एक बहुत ही कॉमन कमेंट देखा जो कि ये था कि OnePlus Nord 2 का 12GB रैम वाला वेरिएंट लेना चाहिए जो कि 34,999 में अवेलेबल है, या फिर OnePlus 9R का 128GB वेरिएंट जिसमें आपको 8GB रैम मिलती है और उसका प्राइस है 39,999। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाए तो हमारी आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वो पांच रीजंस जो कि OnePlus 9R को Nord 2 से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। अब कोई माने या ना माने, अ प्लास्टिक फ्रेम इज अ प्लास्टिक फ्रेम। इसमें उतनी स्ट्रेंथ और उतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी जो कि आपको एक एल्यूमिनियम मेटल फ्रेम वाली बॉडी में मिलती है, और ये फैक्ट नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म यूजेज में 9R को यूज करने के बाद पता ही चल जाएगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेटल फ्रेम देखने को मिलता है जो कि जस्टिफाई हो जाता है यहाँ पर ऊपर एंटीना बैंड्स और यहाँ नीचे की तरफ एंटीना बैंड्स देखने के बाद। वही मैं बात करूँ OnePlus Nord 2 की तो यहाँ पर आपको एक हार्डन्ड प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, एंड आई कैन एश्योर यू डाउन द लाइन जब आप 6 महीना 1 साल तक Nord 2 चलाएंगे आपको रियलाइज होने लग ही जाएगा कि ये प्लास्टिक फ्रेम है और इसकी ड्यूरेबिलिटी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी साइंस के बारे में बात करूं तो एल्यूमिनियम का जो रिसाइकिल रेट है वो होता है 70%, वहीं यहाँ पर जो प्लास्टिक का रिसाइकिल रेट होता है वो सिर्फ होता है 3%, और ये वो टाइम है जब हमें ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एनवायरमेंट सस्टेनेंस में बिलीव करते हैं तो मेरे ख्याल से एक एल्यूमिनियम मेटल फ्रेम वाला फ़ोन लेना थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिबल लगता है। मूविंग टू द नेक्स्ट रीज़न, वो है यहाँ पर फ्लैगशिप प्रोसेसर किस में मिलता है आपको। यहाँ पर MediaTek ये एश्योर तो करता है कि Dimensity 1200 उनका फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर प्रोसेस पर बेस्ड है, जो कि आपको यहाँ पर OnePlus Nord 2 में देखने को मिलता है। बट अगर आप लोगों ने हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट देखे थे, हमारा कैमरा टेस्ट देखा होगा, हमारा गेमिंग टेस्ट या फिर हमारा फुल कंपैरिजन, उसमें आपको ये पता चल ही गया होगा कि डाउन द लाइन MediaTek Dimensity 1200 इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ पर Snapdragon 870 देखने को मिलता है OnePlus 9R में, जो कि फ्लैगशिप नहीं है, फ्लैगशिप Snapdragon 888 चिपसेट है, बट स्टिल Snapdragon 870 प्रोसेसर Dimensity 1200 से काफ़ी टाइम बेटर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट अगर मैं बैटरी एफिशिएंसी की भी बात करूं तो वो भी OnePlus 9R की काफ़ी सही है। ये भी आप लोगों ने हमारे बैटरी टेस्ट में देखा होगा कि OnePlus Nord 2 कैसे बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है, कई बार ओवरहीटिंग इश्यूज भी देखने को मिलते हैं इसमें, और कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट तो नहीं हुआ, हमारा फ़ोन अच्छा खासा चल रहा है, बट हाँ बैटरी ड्रेनेज इश्यूज मुझे डाउन द लाइन इन 1 मंथ बहुत ज़्यादा लगे Nord 2 में। वहीं मैं 9R की बात करूँ तो आराम से 6.5-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम कहीं नहीं गया इवन ऑन हैवी यूजेज। इसीलिए ये वाला रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू आंसर दैट वन क्वेश्चन, क्यों OnePlus Nord 2 का 12GB रैम वाला वेरिएंट भी OnePlus 9R के 8GB रैम वाले वेरिएंट को नहीं रिप्लेस कर सकता। क्योंकि यहाँ पर 12GB रैम वेरिएंट होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा ओवरऑल पावर एफिशिएंसी आपको देखने को नहीं मिलती, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गेमिंग पसंद है वो लोग तो Nord 2 से थोड़ा जल्दी ही परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा हीटअप हो जाता है इतना ज़्यादा। मतलब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो 9R ऑलमोस्ट 38-39 डिग्रीज पर मेंटेन रहता है, वहीं Nord 2 ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज तक चला जाता है, क्योंकि 9R में यहाँ पर आपको एक वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है जबकि Nord 2 में ऐसा कुछ नहीं है। बात करें थर्ड रीज़न की तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अपना मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स Netflix या फिर कोई और OTT प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करते हैं, क्योंकि OnePlus 9R में आपको HDR प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जबकि OnePlus Nord 2 में ये मिसिंग रहता है। इवन दो Nord 2 में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है बट स्टिल
यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि Netflix ऐप में HDR प्लेबैक का ऑप्शन Nord 2 में मुझे नहीं देखा। वहीं मैं बात करूँ OnePlus 9R की, तो यहाँ पर आप आराम से HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो ऑन Netflix as well as other OTT platforms। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है कि Nord 2 लेना चाहिए या OnePlus 9R लेना चाहिए। अब जो फोर्थ रीजन है, आई एम श्योर उसके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं करी होगी। मुझे यहाँ पर OnePlus Nord 2 में एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम लगी वाइल यूजिंग द डुअल स्टीरियो स्पीकर्स। नो डाउट यहाँ पर जो साउंड आउटपुट है वो काफी अच्छा है, इनफैक्ट कई बार तो OnePlus 9R से भी बेटर लगता है। बट ऑल इन ऑल मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर ऑडियो प्ले करने के टाइम पर एट फुल वॉल्यूम पूरा फोन वाइब्रेट हो जाता है। इनफैक्ट जो बैक साइड है वहां पर तो आप वाइब्रेशंस फील भी कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है। अब शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लास्टिक फ्रेम है मेबी, या फिर कहीं ना कहीं बिल्ड में कमी रह गई जिस वजह से वाइब्रेशंस आउट ऑफ द बॉडी निकल के आ रही हैं। बट जो भी है, मुझे तो ये प्रॉब्लम फेस हुई इन वन मंथ ऑफ यूजेज। वही मैं बात करूं OnePlus 9R की, तो वहां पर ऐसा तो कुछ मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसको तो मैं ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने से कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा हूं। एंड नाउ द लास्ट रीजन जो कि आप में से काफी लोग मिस आउट कर जाते हैं, इनफैक्ट ये तो ब्रांड्स अपनी स्पेकशीट तक में भी मेंशन नहीं करते, यहाँ OnePlus Nord 2 में आपको जो पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है वो है सिर्फ 600 nits। वही मैं बात करूं OnePlus 9R की, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट डबल ब्राइटनेस देखने को मिलती है एट 1100 nits। तो आप यहाँ पर दोनों के डिस्प्लेस को साइड बाय साइड रख के कंपेयर भी कर सकते हो, आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा जब आप फुल ब्राइटनेस पे दोनों फोन्स यूज करोगे। 9R का डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी पंची है एंड बहुत अच्छा लगता है। इवन सनलाइट एलिजिबिलिटी की भी मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों ही फोन्स में। तो ये पॉइंट जो है ये काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, बट आई एम श्योर ब्राइटर डिस्प्लेस आप सबको पसंद है। रीज़न बीइंग कि आजकल जो टीवी का काम था या आपके लैपटॉप का काम था, आप लोग वो भी अपने फोन्स पर ही कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जितने भी रीजंस मैंने स्टेट आउट करे वो काफ़ी क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे। आई एम श्योर इसके बाद तो आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे कि इन दोनों में से चूज़ किसको करना है, Nord 2 का 12GB या फिर 9R का 8GB रैम वेरिएंट। अब अगर आप में से किसी को लगता है कि इसके अलावा भी कोई रीज़न है जो या तो Nord 2 को बेटर बनाता है या 9R को बेटर बनाता है, तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, और ये सच में काफ़ी क्यूरियस क्वेश्चन है ही। एंड डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 1 ईयर ये दोनों फोन्स में जो ये कॉम्पिटिशन है, जो ये वॉर है, ये चलते ही रहने वाला है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।